और मैं निवेदन करूं, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो, तो मैं निवेदन करूं कृपया करके पाठ्यक्रम में रामायण और गीता की पढ़ाई शुरू की जाए। इस वीडियो को मैं निवेदन करूंगा काट करके ये शासन तक हमारी बात जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि आप अगर अपने बालक को, हम कहते हैं भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा पढ़ाना बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा ना राम बनेगा, रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे। हमें बुराई नहीं, अकबर के पाठ से हमें कोई बुराई नहीं, अकबर महान था या नहीं हमें इससे कोई बुराई, हमारे राम महान थे, हैं और रहेंगे, बस ये बात है। हमें बुराई नहीं है किसी से नहीं, हम किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं है, बस अपने धर्म के आदि हैं, किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं, सबके भगवान को हमारा प्रणाम यथोचित, प्रणाम वंदन नमन, पर अपने राम को नहीं छोड़ेंगे ये तय है। जिसके जो जैसे भगवान हो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रणाम है। और आप पूछो कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सबके भगवान में अपना राम नजर आ रहा, बस बस हो गया, हमें सबके भगवान में अपना राम नजर, तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम अपने भगवान को खोद के फेंक दो, हमें तो आपके भगवान में राम नजर आ रहा, हमारी अपनी मजबूरी है। और भारत 1947 में आजाद हो गया था, आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक की विचारधारा, आजादी की स्वतंत्रता। मैं प्रार्थना करूं भारत शासन से, अगर मेरी बात शिक्षा मंत्री और भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर सुने तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरी प्रार्थना है आप अपने पाठ्यक्रम में कृपा करके रामायण और गीता जरूर जोड़िए।